मैं सोचता हूँ कि ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट को प्राइवेट ही रहने दीजिए, दिस माई पर्सनल लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ। और उसमें मैं सोचता हूँ कि मेरे फैंस को खाली मेरे गाने से मतलब है, और ना ही मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। किस लिए मैं बंगलो छोड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो 2 साल पहले जो बंगलो मैं छोड़ के आया, वो क्यों छोड़ा कि घर में रहते हुए उसका ये कहना था कि हम उनको मारते हैं, बच्चे को मारते हैं, उनको मारते हैं, उनको बहुत अपमान करते हैं। एक बात मेरे को बताइए कि आप बोल रहे हैं कि हमारे बीबी उस दिन पहले भी, 1 साल पहले भी हमेशा ये कहती थी कि भाई आप वापिस आ जाइए, वापिस आ जाइए, वापिस आ जाइए। आप मेरे को बताइए एक बात, क्या एक बीबी होने के नाते उन्होंने जिस तरह के सुलूक किया, किसी के साथ अगर रास्ते में मुलाकात हो जाए तो माँ बहन पे शुरू हो जाते हैं। हमारे घर में आके, हम जिस छोटे फ्लैट में रहते हैं उस घर में आके घर में तोरम ताड़ी करना, हमारे भांजे के माथे पे हॉकी स्टिक से मारना, आई एम टेलिंग शी इज मैड। इसका एक यह हो सकता है कि शी इज मैड, पागल हैं। और मेरे को ये कहना कि इतना कुछ करने के बाद आप चाहेंगे कि आपकी बीवी के पास आप वापिस जाएं? देखिए शानू भट्टाचार्य जब कुमार शानू बन गया, उनको जो पैसा मिला, नाम मिला, शोहरत मिला, ग्लैमर वर्ल्ड जो देख लिया उन्होंने, लेकिन दुख की ये बात है कि उसने बहुत रानियों को देखा था, दासी को चुन लिया, दैट इज द सैड पार्ट। ये दुख होता है मेरे को, नंबर वन सिंगर बन के कोई नंबर वन हीरोइन के साथ मैंने शानू का आज तक नाम नहीं देखा। जो लोग बाजार में बिकते हैं स्ट्रेट, आप बोल सकते हैं कि रोड साइड जो है ना, उन लोगों के साथ ही उनका नाम हमेशा मैं देखी। मुझे दुख होती है शानू के लिए, उनको अपने स्टैंडर्ड के बारे में खुद को मालूम नहीं। शानू भट्टाचार्य के जो कुमार शानू बनने का जो गैप, शानू को संभालना नहीं आया, पैसा ग्लैमर वो जो देखा, नाम कामयाबी डाइजेस्ट नहीं कर पाया शानू। नहीं तो वही इंसान मेरे को 92 में मेरे लिए पार्टी दे रहा है 25 नवंबर सेंट्रल होटल में, और 93 में मेरे को कोर्ट में लेके गया फॉर डिवोर्स। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मेरा मंझला बेटा जो है जीको, कुछ दिन पहले मेरे को फ़ोन करके पूछा कि तेरे मामी मर गया क्या। एक नॉर्मल इंसान के यही होता है कि अगर हम दोनों में जो भी झगड़ा हो, लेकिन बच्चे को इस तरह से भड़काया नहीं जाता है। बच्चे को जैसे कि जेसी मेरा बड़ा बेटा मेरे को फ़ोन करके पूछता है आप हम लोगों को पैसा नहीं देते हैं, जैसे उसको मामी बोलती हैं पेपर में, उस तरह से वो बोल बच्चा मेरे को फ़ोन कर आप पैसा नहीं देते हम, जैसे अभी तुमको भी मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा। उसने मेरे को भिखारी बोला था, हम लोग सबको भिखारी बोला था फ़ोन में। उनके लिए मैं फ्लैट में रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छे सोसाइटी में जाऊँ जहाँ पे आके इस तरह की गाली गलौज चिल्लम चिल्ली होए, तो उससे बेटर है कि जहाँ पे मैं ऑलरेडी फिक्स हूँ वहाँ पे ही रहूँ, वहाँ के लोग तो सारे जानते हैं पहचानते हैं। वो दिन मेरे को गेट से भगा दिया था। तुमको और किसको? मेरे को, इसको, मामा को और मेरे सर्वेंट। पिछले महीने से बच्चे को लेना बंद किया, मैंने बोला अभी ये कोर्ट से हम इसका सॉलिड ऑर्डर एंड सब कुछ लेके फिर मैं जाऊँगा तौर तरीके पे। तो तलाक के बाद में आप बच्चा आप अपने साथ में रखना चाहेंगे कि पत्नी के पास? I want them. What a shameless man! वैसे बात कैसे कर सकते हैं जबकि उसने कोर्ट में बच्चों का कस्टडी तक नहीं पूछा, उसने एक्सेस पूछा, बच्चों को देखने का राइट पूछा। उसको बच्चे लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको खाली लड्डू तैयार हुआ बच्चा को देखना चाहिए। उन्होंने फिक्स किया 37,500 पर मंथ हाई कोर्ट से, राइट? एंड उसके मुताबिक मैंने सारे पैसे उनको दिया। उसने मेरे को दिया नहीं, ये कोर्ट में से मैं खुद लेके आई। ये 4 लोगों के लिए जो मैं इतना पैसा देता हूँ, ये आई थिंक इट्स काफी, एक महीने के लिए। ऑफ कोर्स इट इज नॉट सफिशिएंट। तो मेरा 3 लीगल चेक बच्चा है, तो सारा दुनिया उसका पैसा खा रहा है, मौजा मस्ती कर रहे हैं, मेरा बच्चा और मैं क्यों नहीं? हमने क्या बिगाड़ा था उसका? 37,500 में से जब आप गाड़ी के लिए, ऑटो के लिए 3,500-4,000 महीना के पैसा देंगे, दूध वाला, बनिया, वॉचमैन, 3-4 सर्वेंट, स्वीपर, माली, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, आपके हाथ में बचेगा क्या? इस बंगलों का मेंटेनेंस कौन करेगा? फाइनल सॉल्यूशन आई थिंक के ये तो आप लोगों को उनको समझाना चाहिए कि हम पैसा देने के बावजूद और हम हर चीज़ उनको दे के रखा, ना ही उनका कोई तकलीफ होनी चाहिए। आई थिंक कोर्ट विल डिसाइड ना व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइल डिवोर्स। अगर कुमार शानू मेरे कंधे में बैठ के कुमार शानू बंधा, मैं जानती हूँ कि मेरा कंधा कितना मजबूत है। कोई भी मुसीबत आए मैं झेल लूँगी, मैं देख लूँगी। और शानू कौन सा ग्राउंड में डिवोर्स फाइल किया, आई डोंट नो, मैं जानती नहीं हूँ अभी तक। पेपर हो सकता आएगा मेरे पास, मैं देखूँगी, और डिवोर्स लेने दीजिए उसको, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगी।
Thank you.